दोस्तों आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए एक वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। यूजर नेम यही रहेगा दोस्तों, पासवर्ड आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। मैं अभी पासवर्ड नहीं दे सकता हूँ क्योंकि दोस्तों पॉलिसी के खिलाफ है। अगर पासवर्ड देता हूँ तो मेरा जो ये वीडियो है रिमूव किया जा सकता है, इसलिए मैं ये पासवर्ड को अभी नहीं देने वाला हूँ। वीडियो के अंत में आप सभी को पासवर्ड मिल जाएगा। जब आप लोग इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा और आईडी पासवर्ड डालिएगा तो यहाँ देखिए एरो का निशान है, यहाँ पर आपको क्लिक करके लॉगिन करना है। जब दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन हो जाइएगा तो इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। और दोस्तों इस तरह का जो काफ़ी ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एपीएस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको एपीएस पर क्लिक कर देना है। एपीएस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई देगा, कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, मिनी स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको बैलेंस इंक्वायरी पर टिक करना है। बैलेंस इंक्वायरी पर टिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आधार नंबर आपको वही डालना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। ठीक है, लिंक अगर नहीं रहेगा तो आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ बैंक नेम का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपने बैंक का नाम सर्च करना है, जो भी आपका बैंक होगा। बैंक के नाम सर्च करने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जब आप दोस्तों सबमिट कर दीजिएगा तो आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा यहाँ पर शो कर देगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए टोटल यहाँ पर बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है 873 रुपया। ठीक है दोस्तों, जितना आप डिटेल फिलअप किए हैं यहाँ पर शो करेगा आपका नाम, आपके बैंक का नाम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस वेबसाइट का आईडी पासवर्ड लेने के लिए या इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है सरकारी अपडेट रिजल्ट, सरकारी अपडेट रिजल्ट .com। उसके बाद यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आइएगा तो एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पोस्ट के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और दोस्तों इस वेबसाइट का जो नाम है रेली पे, मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्ले स्टोर में भी एप्लीकेशन है। जब वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो, और पासवर्ड लेने के लिए दोस्तों इस वेबसाइट के आप ऊपर आइएगा और यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के अंदर पासवर्ड आपको